इस वीडियो में हम ईवीएस का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर पढ़ेंगे। Who has got my ears? इस पिक्चर में सभी एनिमल्स के कान गलत लगाए हुए हैं। एलिफेंट के ईयर्स कितने छोटे हैं, जबकि एलिफेंट के ईयर्स कितने बड़े होते हैं। जिराफ के ईयर्स कितने बड़े हैं, जबकि जिराफ के ईयर्स काफी छोटे होते हैं। रैबिट के ईयर्स भी छोटे हैं, जबकि रैबिट के ईयर्स काफी बड़े होते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको ये लिखना है कि कौन से एनिमल के पास किस एनिमल के ईयर्स हैं। जैसे कि एलिफेंट के पास माउस के ईयर्स है, रैबिट के पास जिराफ के, माउस के पास डॉग के ईयर्स है, जिराफ के पास एलिफेंट के ईयर्स है, डॉग के पास रैबिट के, बफेलो के पास डियर के, और डियर के पास बफेलो के ईयर्स लगे हुए हैं। तो इसमें आप ये आंसर्स लिख लीजिएगा। रैबिट के पास जिराफ, माउस के पास डॉग, जिराफ के पास एलिफेंट, डॉग के पास रैबिट, बफेलो के पास डियर, और डियर के पास बफेलो। ये एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं आपके बुक में। इसे देखकर आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं। जिनके भी ईयर्स हम देख सकते हैं उनके नेम्स इस येलो बॉक्स में लिखना है, और जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं उनके नेम्स इस पिंक बॉक्स में लिखना है। तो कौन कौन से वैसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं? कैट, एलिफेंट, जिराफ, पिग, बफेलो, टाइगर एंड डियर। और वैसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं, इस बॉक्स में आपको लिखना है फिश, एंट, क्रो, डक, स्पैरो, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आपको देखना है और सभी एनिमल्स के नेम्स बताने हैं। हेन, स्पैरो, पैरट, डक, क्रो, फ्रॉग। कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आप इसके ईयर्स देख सकते हैं? नहीं, इसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। हम लोग इसके ईयर्स नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास ईयर्स नहीं है। इन सभी एनिमल्स के पास ईयर्स हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। कुछ और ऐसे एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। क्रोकोडाइल, पिजन, फ्लाइज, आप यहाँ पे इन सभी के नेम्स लिख सकते हैं। रीड एंड राइट, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, वैसा एनिमल जिसके कान काफी बड़े हो, एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, ऐसा जानवर जिसका कान पत्तों की तरह हो, रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, वैसा जानवर जिसके कान ठीक उसके सर के ऊपर हो, ये भी एनिमल रैबिट होगा। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, ऐसा एनिमल जिसके सर के दोनों तरफ कान हो, डॉग। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर। आप अच्छे से जानते होंगे कि कान हमारी सुनने में मदद करता है। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ जानवरों के कान हम अच्छे से देख सकते हैं और कुछ जानवरों के कान हम नहीं देख सकते हैं। अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट हेड, जनरली द होल्स आर कवर्ड विद द फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। अगर हम बर्ड के सर पे देखें तो काफी छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जो कि फेदर्स से कवर्ड रहते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो जो ईयर्स है वो बर्ड्स की सुनने में मदद करते हैं। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। अगर हम छिपकली के सर पे देखें तो आपको दो छोटे छोटे काफी छोटे से होल दिखेंगे, वो उसके ईयर्स होते हैं जो कि उसकी सुनने में मदद करते हैं। और क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। उसी तरह क्रोकोडाइल के भी ईयर्स होते हैं लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं। अब हमें एनिमल के स्किन्स के बारे में देखना है। हमें ये बताना है कि किसकी स्किन कौन सी है। तो रैबिट की स्किन ये है,
ये डियर की स्किन है, ये लिपर्ड की स्किन है, ये टाइगर की स्किन है, ये जेब्रा की स्किन है। आप इसे मैच कर लीजिएगा। आपके बुक में ये एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं। इस येलो बॉक्स में आपको वैसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हैं, और इस पिंक बॉक्स में आपको वैसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके कान आप नहीं देख सकते हैं। तो कौन-कौन से वैसे एनिमल्स हैं जिनके कान आप देख सकते हैं? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ, और हैज हेयर ऑन स्किन। जितने भी एनिमल्स के नाम आप यहाँ पे लिखे हैं, क्या उनके स्किन पे बाल होते हैं? तो जितने भी सारे एनिमल्स के नाम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी एनिमल्स के ईयर पे स्किन पे बाल होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे जानवर के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं। स्पैरो, पिजिन, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, डक, हेन, लिजार्ड। वैसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके स्किन पे फेदर्स हो, तो आप उन सभी एनिमल्स का नाम लिख लीजिएगा जो कि एक बर्ड हो, जैसे कि स्पैरो, पिजिन, क्रो, पीकॉक, डक, हेन। इन विच लिस्ट डू यू पुट द काउ एंड द बफेलो? कौन से लिस्ट में आप काउ और बफेलो को रखे हैं? तो इस येलो बॉक्स में हमने काउ और बफेलो को रखा है क्योंकि हम लोग इनके कान देख सकते हैं। हमें ये बताना है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो वैसे जानवर जो कि बच्चों को जन्म देते हैं इंसानों की तरह, उन्हें रेड बॉक्सेस में लिखना है, और वैसे जानवर जो कि अंडे देते हैं उन्हें ग्रीन बॉक्सेस में लिखना है। तो कौन से ऐसे जानवर है जो कि बच्चों को जन्म देते हैं इंसानों की तरह? कैट, जिराफ, एलिफेंट, बफेलो, डियर, पिग। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। और वैसे जानवर जो कि अंडे देते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, डक, क्रो, स्पैरो, फिश, एंट। हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? क्या आपने अपने घर के आसपास वैसे जानवर देखे हैं जो बच्चों को जन्म देते हो? हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने घर में किसी पेट को रखा है? विच एनिमल इट इज? तो यहाँ पे आपको वैसे एनिमल का नाम लिखना है जिसे आप अपने घर में रखते हो। डज इट हैव अ नेम? क्या उस पेट का कुछ नेम भी है जिसे आपने रखा है? हु गेव इट दिस नेम? अगर नाम है तो किसने वो नाम दिया? वॉट डज इट लाइक टू ईट? आपका जो जानवर है जो घर में रहता है, जो पेट है, वो क्या खाना पसंद करता है? हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? कितने बार आप लोग अपने पेट को खाना देते हैं? व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? आपका जो पेट है वो कब सोता है और कितने समय तक के लिए वो सोता है? इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? आप किस तरह से अपने जो पेट का ख्याल रखते हैं, जैसे आप उससे बात करवाते हो या जिस भी तरह से आप उसका केयर करते हो, वो आपको लिखना है। डज इट गेट एंग्री? क्या आपका पेट गुस्सा भी होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? ऐसा क्या चीज है जिससे वो गुस्सा होता है? ये सब आपको लिखना है। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन? जिस भी पेट को आपने रखा है, क्या उसके स्किन पे बाल है? अगर है तो आपको लिखना है। कैन यू सी इट्स ईयर्स? आप अपने पेट के कानों को देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो आपको ये लिखना है। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? आपने जिस भी पेट को रखा है वो एक छोटा बच्चा है या
कोई बड़ा एनिमल है, जो भी है आपको ये लिखना है. विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? आपने जिस पेट एनिमल को अपने घर में रखा है वो अंडे देता है या बच्चों को जन्म देता है, ये आपको लिखना है. डज इट हैव यंग वंस? जिस भी पेट को आपने रखा है क्या उसके कोई बेबीज है? कोई अगर वो किसी जानवर को जन्म देता है तो है, तो अगर आपको वो लिखना है. ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट. गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस. तो जो भी एनिमल का नाम आपने लिखा है आपको उसका पिक यहाँ पे ड्रॉ करना है, नेम लिखना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.